नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि देश की रक्षा करने वाले जवान धनंजय यादव देश के लिए शहीद हो गए हैं। धनंजय यादव जिनका मौत का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन इंसाफ के लिए माता पिता बहन चिल्ला चिल्ला कर प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। उधर पब्लिक में काफी आक्रोश दिखा। सम्मान के लिए तत्पश्चात आज सुबह ही कुछ लोग चौरी चौरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोक दिए। फिर क्या हुआ, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और पब्लिक को भगाकर ट्रैक क्लियर किया, जिससे ट्रेन लोकमान्य तिलक के लिए फिर रवाना हुई। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं इधर की सड़क पर, यानी कि ट्रैक, रेलवे जो ट्रैक है उस पर कितनी भीड़ लगा के लोग ट्रेन को रोक रखे हैं। और यह एक उसी आस में ट्रेन रोके हुए हैं कि हम लोगों को इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा। और ये मुंबई यानी बांद्रा टर्मिनल लोकमान्य तिलक जाने वाली ट्रेन है, जिस पे देख रहे हैं बहुत अधिक संख्या में नौजवान गोरखपुर एक्सप्रेस को गोरखपुर चौरी चौरा रेलवे स्टेशन पर रोके रखे हैं। और यहाँ पे प्रशासन भी आ चुकी है, लोगों को खदेड़ रही है, ट्रैक साफ करा रही है, ताकि लोकमान्य तिलक जो जा रही है ट्रेन वो जा सके। और देखिए किस तरह से, यानी कि सभी जो युवक हैं उनका नाम नोट करने के लिए कह रही है, तो सब इस डर से पीछे हट रहे हैं और ट्रैक को जो है खाली कर दे रहे हैं। लेकिन सभी युवा अभी जो है माने हुए नहीं है। अभी सभी लोग जो है, कुछ युवा हाईवे को जाम कर रखे हैं, वहाँ से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। और पूरे गोरखपुर के जितने भी नवयुवक हैं, जितने भी आर्मी के तैयारी कर रहे हैं, वो सभी लोग कहीं ना कहीं इंसाफ के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर प्रशासन को चेतावनी दे रहे हैं कि हम लोग को इंसाफ चाहिए। और सभी को पुलिस भगाती हुई और ट्रेन भी रवाना हुई सीटी मारकर, फॉर्म देकर। और इसके बाद जो है सभी वहां से जितने भी नवयुवक थे सभी लोग चले गए। लेकिन अभी तक जो है इंसाफ नहीं मिला है। अभी आगे क्या करने वाले हैं युवा, इसकी कोई जानकारी नहीं है। प्रशासन मौजूद है वहां पे और एक तरह से नवयुवक आर्मी फैन जितने भी हैं उन लोगों के दिल में कहीं ना कहीं ठेस लगा हुआ है। इसके वजह से ये लोग एक दूसरे का सहयोग लेकर जाम में लगे हुए हैं ताकि न्याय मिले। अभी देखिए ट्रेन बम्बई वाली रवाना हो रही है और इसके बाद प्रशासन यहाँ से सभी को भगाएगी, भगाने के बाद फिर जाएगी। देखिए क्या होता है आगे, हम आपको दिखाते हैं। Oh,